It looks like you don't have any eyeballs. Gumnam hai koi. How are you all? Hope you all are doing well. Oh my God. Finally, आप देख सकते हो सन काफी ब्राइट है और काफी अच्छा दिन है आज और मैं भी काफी हैप्पी हूँ. आप देख सकते हो उस टाइम. और आज का वीडियो रहने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन मुझे नहीं मालूम मैं कितनी व्लॉगिंग कर पाऊंगी इस वीडियो में, लेकिन ये वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग पर. और Oh my God, I'm so excited, guys. I'm so excited क्योंकि I have never done before any camping and me and Kashish and Prashant we were so excited क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग पर. जैसा कि मैंने बोला तो कैंपिंग पर सिग्नल्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं कितनी व्लॉगिंग कर पाऊंगी. और सबसे बड़ी बात, चार्जिंग की भी प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं जितनी भी वीडियोस जितनी भी मैं वीडियोस शूट कर पाऊंगी उसको मैं इस व्लॉग वीडियो में जरूर डालूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस. जा रहे हैं एक कैंपिंग साइट पर जहाँ पर काफी सारे लोग कैंपिंग करने वाले हैं हमारे साथ, क्योंकि ये इसमें एक और ट्विस्ट है ये वीडियो. क्योंकि ये कैंपिंग होने वाली है इस्कॉन की तरफ से. यस गाइस, तो ये कैंपिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस्कॉन और हम लोग इस्कॉन की तरफ से इस कैंपिंग साइट पर जा रहे हैं. और ये 3 दिन का ट्रिप है हमारा, देखते हैं कि कैसा रहता है. थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी रहने वाला है ये ट्रिप. आई डोंट नो कि मैंने पहले भी कभी आपसे शेयर कराया है या नहीं, मैं इस्कॉन से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ. और मैं जब इंडिया में रहती थी तब भी मैं इस्कॉन से जुड़ी हुई थी और यहाँ पर आने के बाद भी मैं इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ. और एवरी संडे हम लोग इस्कॉन जाते हैं, जिसका भी वीडियो मैं कभी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि यहाँ का इस्कॉन टेम्पल कैसा लगता है और हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं. और इसके साथ मैं इस्कॉन में वॉलंटियर भी करती हूँ, मैं बच्चों को वहाँ पर डांस सिखाती हूँ. और उसका भी एक प्रोग्राम यहाँ पर जल्दी आने वाला है, आनंद मेला कर जहाँ पर इस्कॉन की तरफ से वो ऑर्गेनाइज होता है और वहाँ पर सारे बच्चे डांस परफॉर्मेंस करते हैं, इंडियन स्टॉल्स लगती हैं, इंडियन फूड होता है और कहते हैं आपके इंडियन कपड़े ज्वेलरी सब कुछ वहाँ मिलता है. तो वहाँ पर मेरे स्टूडेंट भी डांस करने वाले हैं इस्कॉन में, उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. वो कहलाता है आनंद मेला जैसे कि मैंने बताया. और अभी फिलहाल हम इस्कॉन की तरफ से जा रहे हैं कैंपिंग पर. तो अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड है तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. एंड गाइस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको मेरे व्लॉग वीडियोस कैसे लगते हैं. प्लीज हिट द लाइक बटन, मुझे इस वीडियो पे एटलीस्ट 50 लाइक्स चाहिए गाइस. 50 प्लीज. अगर मेरे इस वीडियो पर 50 से अबव लाइक आते हैं गाइस तो मेरा मॉरल सच में बहुत बूस्ट होने वाला है. और मैं आप के लिए आगे भी कंटिन्यू करूंगी ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग वीडियोस. तो अगर आप मेरे वीडियोस पसंद करते हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन, जिससे कि मुझे मालूम पड़े कि आप लोग मेरे वीडियोस कितना पसंद करते हैं. इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, ये मेरे लिए सच में एक डोज का काम करता है. तो प्लीज लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. लव यू. और मैंने पहने हुए हैं बहुत ही सिंपल से कपड़े. ये एक टी शर्ट पहनी हुई है जो कि काफी ओल्ड है और ये जीन्स. और मैंने मेकअप किया हुआ है इस तरीके का, ओनली एंड ओनली सनस्क्रीन लगाया हुआ है मैंने चेहरे पर. और ये आप आईलाइनर देख सकते हो. और मैंने थोड़ी सी अपनी आईब्रोज डिफाइन करी है, अदरवाइज मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया है मैंने. लेकिन सनस्क्रीन बहुत सारा लगाया है क्योंकि आप देख सकते हो कि काफी अच्छा वेदर है आज. एंड मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है कलर पॉप मैटेक्स लिपस्टिक इन द शेड कैमी. या लेट मी शो यू. सो गाइस ये है कलर पॉप की मैटेक्स लिपस्टिक्स और इसका शेड जैसा कि मैंने बताया है यहां दिख जा प्लीज कैमी. ओके आई थिंक ज्यादा अच्छे से क्लियर क्वालिटी नहीं आ पा रही है, तो ये है और काफी प्यारा शेड है.
ये लिपस्टिक्स काफी मॉइस्चराइजिंग भी है। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये मैट लिपस्टिक है, लेकिन बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगती लिप्स पर। आप जरूर ट्राई करिएगा, ये लिपस्टिक्स काफी अच्छी हैं। मुझे कलरपॉप की मैटेक्स लिपस्टिक्स की पिगमेंटेशन भी बहुत पसंद है, और साथ में मुझे कलरपॉप की अल्ट्रा सैटिन लिपस्टिक भी बहुत ज्यादा फेवरेट है मेरी। ऑलमोस्ट मैंने काफी सारे शेड लिए हुए हैं उसके, और सारे ही शेड मेरे फेवरेट हैं। तो आपको अगर मौका मिले तो जरूर ट्राई करिएगा कलर पॉप के शेड्स, काफी लॉन्ग लास्टिंग एंड काफी ज्यादा पिगमेंटेड और काफी मॉइस्चराइजिंग भी है। सो गाइज, अभी हो रहा है 12:30 और हम लोग 1 PM तक लीव करेंगे, और वहाँ लोकेशन तक पहुँचने के लिए हमें कम से कम लगेंगे 4 to 5 आवर, क्योंकि ये काफी दूर है ये कैंपिंग साइट। और हम लोग आई थिंक पहुंच जाने चाहिए 5 or 6 PM के करीब। यस, उसके बाद वहां जाकर हम टेंट बनाने वाले हैं, जो कि अदर एक्साइटमेंट है। ओके, काम डाउन रीमा। तो हम लोग उसके बाद टेंट बनाएंगे, और फिर हम इस तरीके से फ्राइडे नाइट, सैटरडे पूरा दिन वहां रहने वाले हैं, और संडे इवनिंग में हम लोग वापसी करेंगे वहां से। आप कह सकते हो कि आफ्टरनून के लंच के बाद हम लोग वापसी करेंगे, तो संडे नाइट तक हम लोग घर पर होंगे। तो ये है पूरा 3 डेज का प्रोग्राम। एंड एंड मैं मुझे नहीं मालूम मुझे मैं कितनी बार ये बात बोल चुकी हूँ, लेकिन सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं ही नहीं, सब लोग फैमिली में सारे ही लोग एक्साइटेड हैं। आई विल कैच यू सून। सो गाइज, दिस इज अवर कैंपिंग साइट। इट्स जस्ट ब्यूटिफुल इन फ्रंट ऑफ लेक, एंड आई एम सो एक्साइटेड। एंड दिस इज अवर स्मॉल क्यूट टेंट। तो कशिश बिछा रही है अभी इसके अंदर कम्फी कम्फी ब्लैंकेट, एंड देन हम इसके ऊपर बिछाएंगे एक बेडशीट, जिससे कि ये और कंफर्टेबल हो जाएगा। कशिश क्या कर रही हो? इंजॉय कर रही हो ना तुम? तो लग रहा है फुली इंजॉय कर रही है कशिश, है ना? कशिश को टेंट बनाना बहुत पसंद है। कशिश कशिश लगता है तुम पूरी बच्ची बन गई हो टेंट में घुसते ही। टेंट में जाते ही तुम पूरी बच्ची बन गई हो ना। सो गाइज, अवर स्मॉल क्यूट लिटिल टेंट इज रेडी नाउ, एंड इट्स सो कंफर्टेबल। यस, तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये प्यारी सी लेक। क्यूट लिटिल कैंप इज रेडी नाउ, एंड आई एम सो एक्साइटेड। एक घंटा लग गया। हियर इज सो सो विंडी। यस, आई एम सो एक्साइटेड। हाय, कशिश एंजॉयिंग डोरिटोस, एंड इट इज अ न्यू फ्लेवर ना? नो, इट वाज वेरी ओल्ड, बट यू जस्ट हैवंट ट्राइड इट येट। एंड यू कैन सी माय स्वेटी फेस राइट नाउ। इसको बनाने में पसीने छूट गए हमारे, लेकिन मज़ा आ गया। और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ पीछे का। तो ये माउंटेन है और वहाँ पर ही लेक है, और ये हमारा टेंट है और हमारी क्यूट सी लालटेन, हमारे ओ सॉरी हमारी क्यूट सी लालटेन। यू नीड टू सी द, मैं नाइट में दिखाऊंगी वैसे। ओके,
Hello, are you guys seeing me? Are you guys seeing me? Nahi? Look at this. This is our cute lantern. Yes, this is our cute lantern. Hope you can see. तो गाइस ये है हमारा प्यारा सा क्यूट सा टेंट और जिसमें हमने लगाई है प्यारी सी लालटेन. यस दिस इज अवर स्मॉल क्यूट लालटेन एंड व्यू बहुत ही खूबसूरत है. मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था और अभी बहुत 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 ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है और नींद भी आने लगी है मुझे. तो बस अब हम सोएंगे और मैं मिलती हूँ आपको मॉर्निंग में. गाइस टेंट में लेटने का मजा ही अलग है. हिल रहा है पूरा टेंट हिल रहा है और काफी अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. इतनी हवा चल रही है ना कि ये टेंट पूरी तरह से हिल रहा है. और यहाँ पर छोटा सा क्यूट ओह माय गॉड लेट मी शो यू. सो यहाँ पर है एक प्यारा सा कंपार्टमेंट जहाँ बोतल रख सकते हो. मैंने अपना मोबाइल रख रखा था. कुछ भी जो चाहो वो स्टफ रख लो. और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी किचन जहाँ पर हमने रखी है वाटर बोतल और कुछ फ्रूट्स भी हैं इसके अंदर बनाना. लेट मी शो यू किचन का कॉर्नर है जहाँ पर हमने रखे हैं बनाना और ये है वॉशिंगटन चेरीज. यस Good morning everyone. I just woke up with this beautiful background. Let me show you guys one second. So this is our beautiful background. Lake, mountain, cloud. Everything is there. यहाँ पे So guys, we are planning to go for a walk. Yes. तो हम लोग अभी वॉक पर जाएंगे. इतने प्यारे से सीनरी के साथ एक वॉक तो बनती है. और लेक के थोड़ा पास भी जाएंगे. और प्लीज एक्सक्यूज माई मॉर्निंग वॉइस.